बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान होंगे। स्टूडेंट, आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट परेशान थे कि हमारे स्कूल कब ओपन होंगे। उनकी तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में हैं। आज गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी दी है, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। शफकत महमूद साहब, जो कि वजीर तालीम है, वफाकी वजीर तालीम है, उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि बच्चों का टाइम बहुत ज़ाया हो गया है। तो 15 सितंबर तक अगर सूरत हाल बेहतर हुई, 22 अगस्त को हम इजलास बुलाएंगे दोबारा, सूरत हाल बेहतर हुई तो स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो उसके लिए हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, यानी कि ओपन हो जाएगा स्कूल 15 सितंबर तक। लेकिन अगर तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो फिर स्कूल एज इट, यानी बदस्तूर बंद रहेंगे। तो स्टूडेंट, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के स्टडी करें, अपना एक शेड्यूल बनाएं, डेली रूटीन का डेली वर्क करें अपने टाइम टेबल के मुताबिक। जैसे एज इट, जैसे स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे 8 बजे, 7:30 बजे, एज इट सुबह उठकर नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करके उसके बाद बैठ जाया करें। 8:15 बजे बैठ जाया करें, चलें 8 से लेकर 11 बजे 12 बजे तक आप पढ़ लिए करें। 2 4 घंटे 3 घंटे आप एक दफ़ा अच्छी तरह स्टडी कर लें, उसके बाद 1 2 घंटे रेस्ट, फिर आप पढ़ लिए करें एज इट, जैसे आप स्कूल की रूटीन में जाते थे। तो जब तक आपके स्कूल ओपन नहीं होते तो इस वक्त को कीमती बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि खासकर जो 10th वाले हैं या 12th वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, उनका टाइम शॉर्ट रह गया है, क्योंकि पहले एग्ज़ाम उनके होंगे, उसके बाद फिर 9th के होंगे और वो उसके फर्दर होंगे। तो यानी कि 10th वाले और जो सेकेंड ईयर वाले, इनका टाइम शॉर्ट है। इसी तरह 9th वाले हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम होंगे 10th के, फिर 9th के, फिर सेकेंड ईयर के, फिर फर्स्ट ईयर के। तो फर्स्ट ईयर के एंड में आने हैं, तो वो उनके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैट्रिक वाले, 9th 10th वाले, उनके लिए थोड़ा टाइम कम है। तो इस टाइम को आप अपना लिए कीमती बनाएं, घर पे बैठ के स्टडी करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल ओपन हो जाएंगे। वजीर तालीम मुराद रास ने भी आज ट्वीट किया है कि हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर हुई तो इंशाल्लाह 15 सितंबर तक स्कूल ओपन होंगे। तो एज यूजुअल सारा रूटीन होगी और स्टडी। और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैथ के लिए, 9th की 10th की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, तो वो मेरे चैनल पे जाके, इंजीनियर मोहम्मद इमरान पे जाके विजिट कर सकते हैं। लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है, अपडेट जो आज जो अपडेट आई है, तो मैंने सोचा है कि चलो आज स्टूडेंट तक पहुंचा दूँ अपडेट। और वीडियो का एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दिया करो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कोई न्यू आए हैं स्टूडेंट, न्यू व्यूअर्स आए हैं, तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।